शामी एक अंडा दो बंदे खा लेते हैं, तीन बंदे खा देते हैं। आप किसी भी शामी वाली शॉप पे जाते हैं तो आपको दो शामियाँ मंगवानी पड़ती हैं एक नान के साथ। तो ये इसका साइज देखें, ये इस शामी के साथ आप दो नान खा सकते हैं। ये चने का प्याला अंडा डाल के इसके अंदर, ये देखें, ये पहले कोफ्ता डाल दिया इसके अंदर, टेस्ट के लिए काली ये शोरबा डाल दिया इसके ऊपर। आप सब्र भी नहीं कर सकते कि इन शहर के इन छोटी छोटी गलियों के अंदर जो है ना ऐसा ज़बरदस्त आपको टेस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको ऐसे लोगों का हजूम मिलेगा जो हर वक्त लाइन में लगे हुए हैं यहाँ से नाश्ता करने के लिए। और ये हैं भट्टी साहब की काली मिर्च वाले चने, ये भी काली मिर्च में तैयार करते हैं, ये भी काली मिर्च में बने हुए हैं। अच्छा कोफ्ते चिकन के उसके चिकन के कोफ्ते, ठीक हो गया। तो इसके अलावा चावल होते हैं हमारे पास, डलवाया था फिर एक कोफ्ता डाल देना, थोड़ा सा शोरबा डाल, अच्छा मुर्गी का शोरबा आ गया ऊपर, थोड़ी सी खाली काली मिर्च होती है और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। कस्टमर है, अच्छा ये रोज आपसे ही खाते हैं नाश्ता, क्यों नहीं सर जी? घर से नाश्ता नहीं करते, अच्छा ये हमसे करते हैं, और घर में झगड़ा होता है इनका, अच्छा इधर से नाश्ता क्यों नहीं करते? बड़ा आप तो भी लड़ाइयां करवा रहे हैं घर में, क्यों भजन घर से क्यों नहीं करके? ये सर एक तरह से नशा ही है इनका खाना, अच्छा लोग अपने घर का खाना भूल के इधर आके इनसे खाना खाते हैं। 35 साल से इधर है हम, अच्छा 35 साल हो गए यहां पे। बड़ा बाहर कहीं मेन पे क्यों नहीं आप गए? जवान आए थे बूढ़े हो गए अब तो, जी करिए अल्लाह का शुक्र है बस, चलो शुक्र अल्लाह का। और यहां का एड्रेस कैसे समझाएंगे लोगों को? ये हम एड्रेस समझाएंगे, हम रेल बाजार, ठीक है बिस्मिल्लाह मार्केट सराफा बाजार, रेल बाजार बिस्मिल्लाह मार्केट सराफा बाजार, इजी समझ आ जाएगा लोगों को। ये शामी का साइज चेक करें, तमाम भी कितनी देर से लगा रहे हैं? तकरीबन 16-17 साल हो गए, 16-17 साल हो गए हैं तो यहीं पे कर रहे हैं आप? यहीं पे। तो कितने की शामी दे रहे हैं? अब तो हम दे रहे हैं 75 की। अच्छा माशाल्लाह, और कितनी शामियाँ माशाल्लाह रोजाना जो आप बेच लेते हैं? माशाल्लाह हज़ार को निकल जाती है, अच्छा आजकल कम है, गवर्नमेंट बदल गई है बाजार की वजह से। अच्छा अभी आप आए हैं तकरीबन लगता है, और ये कितने बजे तक यहाँ पे होते हैं? दो से नौ, अच्छा अच्छा शामी अंडा बना लेंगे। ये चाट मसाला, अच्छा चाट मसाला, अच्छा ये मर्जी है उसकी, चाहे दो शामी में एक अंडा डलवाए चाहे दो अंडे डलवाए, एक शामी एक अंडा दो बंदे खा लेते हैं, तीन बंदे खा देते हैं, अच्छा या एक शामी एक अंडा, एक शामी एक अंडा दो जने खा लेते, दो जने खा लेते, दो शामी एक अंडा तीन जने खा लेते, यानी कि तीन लोग कितने में फिर खा गए? शामी और एक अंडे के पैसे बनेंगे 220 रुपए, और नान खा लेंगे वो चार नान खाए जाएंगे तो कितने हो गए वो? 140 के 220 और 140 कितने हो गए? 360 रुपए में तीन बंदे सुकून से खा लेते हैं। ये आपने कितना बनाया था अभी? एक शाम दो शामी एक अंडा, अच्छा माशाल्लाह। गुजरावाला के अंदरून के अंदर ऐसे गुंजान बाजारों की अंदर छुपी हुई गलियों में ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे फूड भी आपको मिलते हैं स्ट्रीट फूड लेवल के, जो खाने में इंतहाई मज़ेदार होते हैं और जो अपने अपने इस इलाके के अंदर वो सबसे मशहूर फूड होते हैं। इस मार्केट को देख के आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि सुनसान मार्केट के अंदर जो है इतना एक शामी खाने के लिए इतना रश लगा होता है। इसकी शामी की क्वालिटी क्या है जी? एक तो इनकी शामी का साइज़ है, इनका शामी का साइज़ 75 रुपये की शामी है, शामी का साइज़ ऐसा है कि आप एक शामी के साथ दो नान खा सकते हैं, मतलब आप 100 रुपये में 110 रुपये में बड़े आराम से फुल हो सकते हैं। इसकी जो ईजी अप्रोच है वो उर्दू बाज़ार है, अगर आप उर्दू बाज़ार आते हैं तो वहाँ से किसी से भी पूछें, मिशन स्कूल वाली गली में जाना है, मिशन स्कूल वाली गली में आगे यहाँ पर आपको ये नुमान मैर शामी वाले मिल जाएंगे। इनका ज़्यादा फेमस जो है वो शामी वाले थे, इनके भाई का नाम शामी था तो उसी नाम से इनकी दुकान भी मशहूर थी कि शामी वाले की दुकान कहाँ पे है। घी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्ट्रीट फूड के अंदर अब अगर आप हाइजीन देखेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे था वो था भट्टी साहब चने वाले, एक तो उनकी सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा इंतजाम होता है, दूसरा वो काली मिर्च के चने बनाते हैं और उनको उनके बारे में मशहूर भी है कि वो जो है ना चने वाले नहीं बल्कि सन्यारे हैं, क्योंकि उनके चने के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे चूँकि सराफा बाज़ार भी है और सराफा बाज़ार के दुकानदारों का अपना नखरा हो तो इस तरह वो खाने में भी नफीस चीज़ देखते हैं। इसी तरह वो भट्टी चने वाले हैं, ये भट्टी चने वाले हैं, ये भट्टी रेस्टोरेंट एक रेल बाज़ार में बड़ा फेमस है, ये वो नहीं है बल्कि ये भट्टी चने वाले, ये भी आपको इसकी लोकेशन समझ लें। अगर आप अंदरून से वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पहुँचना दुश्वार होगा।
तो ये आसान था तरीका है। साहब के नाश्ते के लिए आप रेल बाजार लें, रेल बाजार से आप आएँ कपूरा वाली गली चौक सीधा क्रॉस करें, वहीं से राइट साइड पे मार्केट एंटर होगी, वहाँ से एंटर होकर आप आ सकते हैं। इसके अलावा भट्टी साहब की जो दूसरी पिन पॉइंट लोकेशन है वो ऐसे है कि अगर आप सराफा बाजार से रैना वाली गली में आते हैं, रैना वाली गली में एंटर होकर किसी बंदे से पूछ लें, रैना वाली गली 2 नंबर, 1 नंबर नहीं, किसी बंदे को आप पूछेंगे कि भाई PIA रंगाई वाली दुकान कहाँ पर, उसके सामने बिल्कुल मार्केट है जो साबर डब्बे वाले मार्केट के नाम से फेमस है, उसी मार्केट के अंदर आपको भट्टी साहब के काली मिर्च वाले चने मिलेंगे। ये दोनों ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जो अपने इस एरिया के अंदर बड़े मशहूर हैं और लोग बड़े शौक से खाते हैं। ये बाज़ारों के अंदर, गुंजान बाज़ारों के अंदर सुनसान गलियों में बैठे हुए दुकानदार हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाले यहीं के मौजूदा दुकानदार होते हैं। सो अगर आपका कभी स्ट्रीट फूड खाने का दिल करे तो आप ये 2 पॉइंट्स अगर बाज़ार में हैं तो ज़रूर ट्राई करें। अगली इस वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।